अरे चोर मेरा कुकर चुरा के ले गया, अरे चोर मेरा कुकर चुरा के ले गया, अरे चोर मेरा कुकर चुरा के ले गया। अरे कोई है? अरे कोई है भाई साहब घर में? भाई साहब अरे कोई है? अरे हटा यार घर के मालिक को भेज जल्दी। भाई साहब अरे कोई है क्या यार? अरे मैं घर का मालिक, बता। अरे क्या बनाया आपने अपने घर पे सब्जी में? क्यों? अरे बता दो यार। लौकी चने की दाल बनाई है। क्यों? आलू गोश्त खरीदोगे? बना बनाया चोरी का, ओनली 200 रुपए का। ताजी है? अरे बिल्कुल ताजी है भाई साहब, जल्दी चूल्हे पे से चुरा के लाया हूँ। एक मिनट रुको, फिर हमारे इस भगोने में कर दो। अभी कर रहा हूँ। ठीक है लो पैसे दो। लो 200 रुपए। ठीक है। अरे अम्मी ले मैं कुकर छीन लाया चोर से, जो चोर अपना कुकर चुरा के लेके भागा था। ला दिखा। ओ उसमें का सालन कहाँ गया? हो अम्मी मुझे लग रहा है चोर की भैंस भूखी होगी, उसने सारा सालन अपनी भैंस को खिला दिया होगा। ओ तो मैंने मिल लिया को, उसे भी चोर चुरा के ले गया अपनी भैंस के लिए। अरे माँ तू टेंशन मत ले यार, खत्म कर बात को, चोर का भलो। तो अब एक काम कर, गोभी आलू बना ले, भूख लग रही है बहुत तेज की यार माँ। अरे बेटा आलू गोभी ना घर पे, तेरा अब्बा गोश्त लाए वो भी चोर ले गया चुरा के, अब कल को गोश्त लाएंगे तो बनाऊंगी मैं। अरे माँ यार इसकी माँ का, तू एक काम कर यार चटनी कर ले छोक के यार जा। अरे चटनी भी तो जब बनाऊंगी, जब कुछ होगा बनाने के लिए, ना प्याज है ना मिर्च है, बाजार से ले जाके बना दूंगी। अब ओ, ये तूने मुझे कैसे गोश्त बेचा? बना बनाया इसमें एक भी मोटी सांप ना, सब हड्डी की है। अरे हरामी अब तू पैसों के चक्कर में गोश्त भी बेच लेगा? अरे अब मैं पैसे की जरूरत पड़ गई। अरे अरे ना ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब मुझे बचा लो, मेरे पीछे मेरा दूल्हा पड़ा है। दूल्हा पीछे से पड़ा है और अब ये ड्राइवर आगे से पड़ेगा, माल अच्छा। मतलब? अरे मतलब जल्दी आके बैठो यार गाड़ी में। अरे अरे उधर से बैग, उधर से बहू। अरे दूल्हा वैसा पड़ा क्यों है तेरे पीछे? मुझे वो पसंद नहीं है, मेरे घर वाले उससे जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। अरे ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब तुमने इधर किसी दुल्हन को भागते हुए देखा? ये अंदर रहे। हाँ देखी, एक ड्राइवर भाग ले गया यहीं पे निकाह करके इधर को। अबे इसकी तो देख जा, इसे तो भगा दिया। अब तुम मेरे साथ भागना पसंद करोगी? ड्राइवर हूँ, पावर की गोली खाने की जरूरत नहीं है, हर वक्त नशे में रहता हूँ। जी ठीक है, फिर 3 बार बोल दो कबूल है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुझे भी। अब आए उधर, किसी ड्राइवर के साथ नहीं भागी है तेरी दुल्हन, अब इधर इस वाले ड्राइवर के साथ भागेगी तेरी दुल्हन। भागो माई बाई। कबूल। अब ड्राइवर मेरी बहू लेके मत भाग। अबे साले ड्राइवर मेरी दुल्हन को छोड़ दे। है अबे हट साले, अब मैं इसे लेके नहीं भाग रहा, अब मैं इसे रूम में लेके जा रहा हूँ इसके साथ स्वागत मनाने के लिए। गाइस वीडियो कंप्लीट, बहुत अच्छे से आपने देख ली होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो जरूर करना। बहुत मेहनत से बना रहे हैं वीडियो गाइस, प्यार दो वीडियो पे, प्यार दो। चल प्रोटेक्शन है तुम्हारे पास, वो तो फिर चलना है। ये प्रोटेक्शन क्या हो गए? देख मेरे भाई प्रोटेक्शन में 5 सामान आम है, गुब्बारा, कैप्सूल, पावर, डिबिया और टाइगर। इसका क्या मतलब हुआ? अबे खोपड़े सब कुछ मैं ही बताऊंगा, तुझे कुछ ना पता। भाभी मुझे ही बुला लिया, तू सिर्फ लाइट पकड़े खड़ा हो जी और ऐसे करके नू नू करके दिखाता रहिए। चल पीछे को सालो, बिल्कुल ही उजड़ो, तुम्हें इतने पता प्रोटेक्शन किसे कहते हैं? जब वो तुझे आड़ में को लेके जा रहा तो तू उसके साथ क्यों ना गया? मुझे सूखा सूखा अच्छा ना लगता। ओफो पूरा चील का मुंह मांग रहा। अबे हम तुझे जुगाड़ लग रहा जो प्रोटेक्शन अपने साथ में लेके चलेंगे भैये, वो सब वाला लग रहा। ए हट 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 हट, बात करेगा सब। अगर आपके से जबान खोल दी ना तूने तो तेरा सुलेमानी कीड़ा मिटवाने के लिए जॉनी सिंस को बुलाऊंगा। हेलो ठेकेदार, अगर कोई अपनी जगह से हिल गया तो उसकी यही माँ को चूरन दे दूंगा खट्टा वाला। खट्टा नाम सुन के मेरे मुंह में पानी आ गया। अरे मीठे, तुझे डर ना लग रही हमसे? तुझसे क्यों डरूंगा मैं? हट, हट, हट। इस मुंह को बंद कर ले, ना बता रही हूँ कटारे खा खा के मारूंगा। चल छेद दिखा। इतना सा साले गुंडे, हम तुझे बदतमीज लग रहा है? हमारा पूरा खानदान नवाजियों से भरा हुआ। चल गुंडा आदमी को मुझे लगता है वहां जाके ले। चलो भाई मार्केट में अपना माल। मैं कह रहा हूँ भाई साहब सीधा होकर लेटू या उल्टा होके? तेरे गांव में भी बहुत ही बड़ा सुलेमानी कीड़ा है।
चल बिरयानी का भाई, सबको होटल पर सुबह से एक भी कस्टमर नहीं आया इनके पास। आजा भाई आजा, खा ले 50 रुपए की प्लेट है। चल भाई जाके खा बिरयानी, मैं जब तक दूसरा बंदा पकड़ता हूँ। भाई जब मुझे भूख ना लग रही तो क्या मैं जबरदस्ती खाऊं? भाई हमारे होटल पर जबरदस्ती खानी पड़ती है बिरयानी, इसलिए हमारे होटल का नाम है नीचे पढ़ ले। जबरदस्ती होटल? अबे खाता क्यों नहीं है बिरयानी, या जबरदस्ती निमाला बना के तेरे मुंह में ठूसूं? भाई साहब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, मैं कैसे खाऊं? बड़े भाई साहब एक प्लेट बिरयानी लगाओ, जबरदस्ती होटल पर आया तू, अब जबरदस्ती बिरयानी खानी पड़ेगी तुझे। चल ठीक है मुंह खोल। भाई साहब ये हमारा जबरदस्ती होटल है, हम कस्टमर को पकड़ के ऐसी खिलाते हैं जबरदस्ती बिरयानी। तेरी माँ का हरामी मारू, तू मेरे घर का आगे कूड़ा फेंकेगी। रुक, अरे तुम्हारा खोल साली कुतिया। अरे शाही भाई क्या हुआ? अबे इधर आ तू, ये देख क्या तरीका तेरी बहू का, मेरे घर का कूड़ा डालेगा ये, और आज नहीं साली रोज डाल के जाती है, रोज मेरे घर का कूड़ा डाला हुआ मिलता है। अजी मैंने तो आज ही डाला, मुझे ना पता रोज रोज कौन डाल के जाता तुम्हारे घर का कूड़ा। चल उसका भी मैं पता लगा लूंगा। चल भाई वो कूड़ा हटा मेरे घर का आगे से जल्दी। अरे मैं तो हटा के डाल दिया। मत हटा साले, अब मैं तुझे बताऊंगा कि कूड़ा किसे कहते हैं घर के आगे। ओ बच्चे जरा मेरे साथ बैठ। लेटिन आ रही है तुझे? ना। 20 रुपए दूंगा। हाँ आ रही है। कर दे फिर इसी दरवाजे के सामने। ठीक है। अरे मैडम आ जाओ, सही भाई घर का आगे से कूड़ा हटा दो आनके। अजी मैं तो नहीं हटा रही, डाल दिया तो डाल दिया। अब भी मजदूरी कर रही है लल्ला, तुझे 50 रुपए दूंगा, कर खूब बहुत सी लैटरिन इसके घर का आगे। ठीक है। अरे नहीं नहीं हटा रही, एक मिनट हटा, एक हम एक कूड़ा हटा। चल रही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो जरूर करना फेसबुक पर। अरे दूल्हे को मार लिया, अरे बारात पीट लिया, अरे दूल्हे को मार लिया, अरे बारात पीट लिया। मैं चिल्लाते रहेगा के बचा ले मुझे। मैं क्यों बचाऊं, मैं भी तो लोंडिया वाले की तरफ से हूँ, अगर मैं बचाऊंगा तुझे तो मेरी बात खराब नहीं हो जाएगी इनसे? तो चल इनसे, ये तो मुझे मार किस बात पर रहे हैं? हाँ ये पूछ लूँगा। हाँ भाई चाचा क्यों मार रहे हो दूल्हे को? ये साला चुप जा भाई, तुझसे नहीं पूछा बड़ों से पूछा। हाँ बड़ो बताओ क्यों मार रहे हो दूल्हे को? साला यूं कह जा, तुम्हारी रोंडे से निकाह बाद में करूंगा, पहले स्वागत बना के चेक करूंगा कि किसी को दी हुई। चुप, कोई दिक्कत ना, आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, लोंडे को बुलाओ, लोंडा चेक करके देख लेगा। आ जा बेटी। जी पापा। जा बे दूल्हा चेक कर इसे कमरे में ले जाके। कोई दिक्कत ना, जाओ ट्रेंड है आजकल का। लोंडिया चेक कर ली, स्वागत बना के बिल्कुल सही है, करवा दो निकाह। चलो भाई सही है, ताऊ मसला निपट गया, भाभी जी को बुला के निकाह करवा दो इन दोनों का। अबे यार ये कौन सा तरीका निकाह करवाने का? ताऊ ये ट्रेंड है, ट्रेंड नया, अब निकाह ऐसी हुआ करेंगे लोंडिया को चेक करके कि लोंडिया किसी से पिटा, आगे का समझ जो तुम। अजीब ट्रेंड निकला है भाई, चलो अभी हाफिज जी को फोन करके बुलाता हूँ निकाह के लिए। हाँ बुलाओ हाफिज जी को और पढ़वाओ निकाह, देर मत करो, सारा मसला तो निपट ही गया। सही है भाई कोई दिक्कत तो ना लोंडे। चल ठीक है तुम बुलाओ हाफिज जी को यार, निकाह पढ़वाओ जल्दी। हेलो हाफिज जी, हाँ आ जाओ जल्दी फटाफट निकाह के लिए। चलो यही करवा दियो निकाह, ठीक है चलो आ जाओ। ओ सॉरी सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, आपको बिना देखे घर का कूड़ा आपके ऊपर फेंक दिया। अरे तूने नहीं देखा तो मैंने तो देख लिया तुझे, तेरी बहन की लुगाई अंधी हो गई, अभी नहा धो के बिल्कुल नए कपड़े पहन के आ रही हो। अरे अरे क्यों मार लिया मेरी बीवी को, अरे क्यों मार लिया? अबे इससे बोल, अगर कूड़ा फेंके तो कूड़ा घर में फेंके, अगर किसी के ऊपर फेंकेगी तो मारी जाएगी, समझा इसे, समझो। हट पागल है क्या? सॉरी सही भाई। ओए अगर आप कूड़ा फेंके तो कूड़ा घर में फेंक का ना, बता रही हूँ। ठीक है समझाओ उसे, अब जाऊँ फिर नहा के कपड़े पहन का। भाभी मेरे ख्याल से तुम्हें कल नसीहत लग गई मेरे हाथों से पिट के, जब तो आज कूड़ा कूड़े घर में डालने जा रही हो। आ जाओ। अरे मैडम थोड़ा कूड़ा और रह गया, इसे ही फेंकाओ। अरे थोड़ा बहुत कूड़ा रोड पे फेंक दो, कोई बात ना है। ठीक है। अबे मुझे पूरा घर समझ रहा है, मैं तो नगारिया तू रही है रोटी, मैं तो गोश्त से खाऊंगा। अरे तू चल मत खा, गोश्त कहाँ से लेकर आऊँ तेरे लिए 300 रुपए किलो। इनके घर बना गुबरान भाई के, इनके घर से ला दे थोड़ा सा अम्मी। चल आ चल, वो बैठे हैं गुबरान भाई। अभी थोड़ा सा साधन दे दियो। अरे हमारे घर तो कुतरंगे बनी है, दे दूं। तुरंगे तो हमारे घर में नहीं है, चला बैठे। अरे अम्मी बैठी रहे, गुफरान भाई झूठ मत बोलो, गोश्त बना तुम्हारे घर पे सुबह लेकर आ रहे, तुम मेरे सामने कसाई से। अरे यार वो तो हमने बना के खा लिया। अच्छा लाओ अपना कुकर चेक कर रही हो, रखा ले।
ये हैगा तो इसके अंदर साइड होता सालन लगा हुआ। अबे तो ये कैसे खागा तू? अभी बताऊंगा कैसे खाऊंगा। अम्मी जल्दी से रोटी लगा घर से भाग के। बेटे ऐसे खाऊंगा लगा लगा के बिना गोश्त के मेरे पेट नहीं भरता। अबे साले तुमसे मांगा ना खा जाता कैसा इसे? महंगा बहुत है महंगा, इससे क्या भी मजदूरी ना है। अम्मी तू भी खा ले। ना मैंने तुरियो से खा ली। चलो बड़ी हरामी हो। बैठो बैठो ना, आप उठो ऐसे बिल्कुल। और खा लो यार, ना उठो। चलो हम घर जाकर खा लेंगे, तुम्हारा कुकर बाद में दे देंगे। सही है ना? धोखे लगाएगी, धोखे अभी पकड़ो, अभी पकड़ो, पकड़ो, अभी पकड़ो। अरे मार ईट, मार साले सिर उठा के मार, मार साले सिर में ईट मार। आ तू मार ईट, मेरे हाथ में भी तो ईट है, मैं भी तो मार दूंगा इसके। अब तुझसे इतनी ऊपर ईट फेंकेगी ना। अच्छा अब इधर बता, अब मार दू इसके सिर में ईट। अरे ना रुक जा, बैठ के बात कर ले। चल इधर ही बैठ ले चारपाई पे। अब बोल तू, ये बता तू मेरी बीबी पे लाइन क्यों मारता? अरे गुफरान भाई, जब तुम अपनी बीबी को इतना स्मार्ट करके रखोगे, मेकअप बेकअप करके, तो कौन लड़का लाइन नहीं मारेगा यार। अजी गुफरान भाई मुझे तो छोड़ो, गांव का हर लड़का तुम्हारी बीबी को सेट करने की चक्कर में है यार। तुम रखती इतनी स्मार्ट करके अपनी बहू को? अच्छा अब इसे आज से स्मार्ट बना के नहीं रखूंगा। एक मिनट रुको, इतनी स्मार्ट क्यों? चल चल अपना मेकअप साफ करवा। अबे गुफरान भाई ये तो इतनी बदसूरत है, इसकी तो सूरत देख के ही भूत भाग जा। अबे भगवान बैर भर के मेकअप कर रही है। अबे बदसूरत है तभी तो मेकअप करके रखता हूँ मैं इसे। अरे हद है यार गुफरान भाई, इतनी बदसूरत लुगाई तुमने करी क्यों नहीं, जो साली भगवान भर भर के तुम्हें मेकअप में रखनी पड़ रही है। बुलेट मिली यार दहेज में। अरे यार गुफरान भाई, दहेज के चक्कर में तुमने इस कलर से शादी करी है? हाँ चलो मेरी जान, मेकअप कर लो फिर से लाओ। अरे मेरी बहू छत से नीचे गिर के मर गई, अब ससुरालियों को क्या जवाब दूंगा? अबे दामाद तूने मेरी लोंडिया मार दी छत से नीचे गिरा के, अब मुझे तुझसे इतनी बड़ी लोंडिया चाहिए? अरे अभी मरी कब है यार, ससुर जी जिंदा है, सिर्फ टांग टूटी है, ऑपरेशन करा दूंगा, ठीक हो जाएगी लोंडिया तुम्हारी। अब तो जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो, लोंडिया को ना मर जाएगी। ठीक है अब, अबे तू यहीं पे रह ससुर, ना चोर घुस जाएंगे मेरे घर में। ठीक है मैं यहीं से देख रहा हूँ तुझे। अबे ससुर अपनी लौंडियों को खुद अस्पताल लेके जा, मैंने इसे डिवोर्स दिया। आ बेटी आ तू मेरे साथ हॉस्पिटल चल। अबे साले दमाद तू यहाँ क्या कर रहा है दूल्हा बन के? अरे ससुर जी इस घर में मेरी एक पुरानी सेटिंग थी, उससे खाली निकाह निकाह करना आया हूँ, क्योंकि इस लंगड़ी को तो अब डिवोर्स दे दिया ना। आओ जाने मन साथ फेरे लो, एक दो तीन। अबे साले दमाद मेरी लौंडिया की जिंदगी तबाह करके दूसरी शादी कर रहा है, निकाह घर कर लेंगे भाग। अरे मोहल्ले वालों मेरे घर में भूत। अबे भाई किसी बाबा को बुला लो। अरे बाबा से अच्छा किसी सीआईडी को बुला लो। हाँ सीआईडी को बुला लूँ, वो कबर खोदते मुर्दा निकाल लेते हैं। हेलो सीआईडी मेरे घर में भूत। अरे भूत की माँ की आया। एसीपी सर दया से दरवाजा तोड़वाओ। ठीक है दरवाजा है या के दया से दरवाजा तोड़वाओ, चल भाग यहाँ से, तू भी निकल। हाँ किधर है भूत? मेरी बीबी के अंदर। तूने पैसे कब से ना दिए हैं जो शॉपिंग करने के लिए? लगभग 3 महीने से। अरे कंजेस, चल 2000 दे से शॉपिंग करके आएगी ये। हैं? अबे देना। लो मैडम। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जा रही हूँ शॉपिंग करने। अबे सीआईडी सर मान गए तुम्हें। अरे अरे सर मेरी बीवी फिर से भूत सवार हो गया। 2000 और दे से। क्यों? आज होटल में खाना खाकर आएगी अपनी सहेलियों के साथ। अरे यार अपनी सहेलियों को घर पे बुला ले, यहीं पे खाना खिलवा देगी। हटा हटा हटा, आगे से हटा, छत से कूद के नीचे मरेगी। अरे नहीं नहीं दे रहे दे रहे बस 2000 रुपए दे रहे हो लो। हाँ लाभ 1000 रुपए मुझे दे मेरे काम कैसे ठीक करने के। 500 ले लो। अरे दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ 1000 रुपए दे रही हूँ लो। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, फॉलो जरूर करना, फेसबुक पेज पे प्यार जरूर देना। लव यू गाइस। 1 मिलियन। अरे बेटे गुफरान भाई अभी 2 किलो गोश्त लेकर आए कसाई से, जा उनके घर से कुकर चुरा ला गोश्त का बना बनाया। अरे अम्मी तुझे शर्म तो आना रही है।
अरे माँ, अगर तू मुझे चोट्टा बनाना चाह रही है तो कोई बड़ी चोरी करवा ले। लेकिन माँ, तू तो यार मुझसे लोगों के घरों की हंडिया चुरवा रही है। अगर तुझसे घर बना बनाई जा रही तो मतलब चुरा के देख, करेले बनाऊंगी वही खागा। अरे वो माँ, करेले बड़ेले ना खाऊंगा, मैं बता रही हूँ अभी चल जा रही हूँ उनके घर से गोश्त का कुकर चुराने बना बनाया। हाँ जल्दी चुरा के लेकर, इतने में रोटी बनाकर रख लूँ। अरे गुफरान भाई, गोभी गोश्त की खुशबू आ रही है कुकर में से। गोभी गोश्त ही बनवा रही हूँ यार। अच्छा, अरे भाभी तुम क्यों मुंह छुपाती हो यार मुझसे, इनसे 5 साल छोटा हूँ मैं उम्र में। अच्छा तो ठीक है, फिर दुपट्टा भी उतार देती हूँ सलवार। बस 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 भाभी यार, कभी कंट्रोल नहीं हो मुझसे। साली तू तो नाक कटवा देगी, अब ये पूरे गांव में कहता फिर आके गुफरान भाई की बात तो मेरे सामने सलवार उतार रही। अरे ना कहूंगा यार, अरे कहूंगा। अरे गुफरान भाई यार, मैं घर पे जा रही हूँ, मेरा जरा इमरजेंसी, घर से फोन आ रहा। और हाँ देख लियो, हाथ खाली है मेरे। ठीक है ठीक है। अजी अपने कुकर कहाँ चले गए गोभी गोश्त का? अबे इतना महंगा गोश्त लेकर आया, कहाँ से लगाया कुकर? अजी वो तो नहीं लेके गई? अबे नहीं यार, उसके हाथ तो खाली थे, वो ना लेके गया। अबे सालो, तुम मियां बीबी में लड़ाई लड़वा के तुम्हारा गोभी गोश्त का कुकर मैं ही चुरा रहा हूँ तुमसे झूठ बोल के, देख लो मेरे हाथ तो खाली है। अम्मी चुरा लाया कुकर। ले लिया बेटे, रोटी बना ली मैंने। खुशी बढ़ती जानी चाहिए जीवन के साथ, आनंद बढ़ता जाना चाहिए, रोज रोज लगना चाहिए कि एक एक गोल्टा दो धनी के पहिए। बताओ यार अयान भाई, साले ये दोनों बहु दूल्हा कितने खुश हैं, इन दोनों में कभी लड़ाई नहीं होती है क्या? ना। अरे मैं सोच रही हूँ अगर इन दोनों में लड़ाई हो गए तो फिर थोड़ा बहुत हम तुम मजे ले में मोहल्ले वाले। हाँ सही कह रहे हो, लड़ाई इनके घर में होगी, मजे हम तो मोहल्ले वाले लेंगे। अरे और यार, मैं तो साला रोज दुआ कर रहा हूँ कि इन बहु दूल्हा में लड़ाई हो जा। हाँ ठीक है, तुम दुआ करते रहो, मुझे कुछ काम है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है। अरे हाँ, बहु दूल्हा लड़ रहा है, ये मजे लूंगा आप। मेरी जान, गेट बंद करके, मोहल्ले वाले मजे ले रहे हैं, लड़ाई हो रही है तो जा। अरे गेट खुला रहने दो यार, थोड़ी देर ऐसी। हट अभी, और ज्यादा मजे लू, नुक्तिया बांटू नुक्तिया मोहल्ले में। अरे लो मुंह मीठा कर, गुफरान भाई के घर लड़ाई हो रही है बहु दूल्हा में। बहुत बड़ा हरामी है तू। अरे कोई बात ना है। अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया? अरे कुछ ना हुआ, लो मुंह मीठा करो नुक्सिया से यार, गुफरान भाई के लड़ाई हो रही है बहु दूल्हा में, आओ मजे लेंगे मजे। चलो चलो जल्दी आओ, चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, तुम भी आओ जल्दी आओ, जल्दी से भागो। घर में सालो, हमें एक दूसरे को समझाने के बजाय मजे ले रहे हो हमारे घर की लाइट देख देख के। अरे भाई साहब, जब मोहल्ले में किसी पड़ोसी के घर पे लड़ाई होती है ना, तो मोहल्ले वाले अपनी पड़ोसी की घर की लड़ाई के ऐसी मजे लेते हैं जैसे हम ले रहे हैं। ये नाचो। अरे सालो जाओ, चले जाओ, ये साला मोहल्ले छोड़ के जाऊंगा, यहाँ से कहीं और जाकर सिखाऊंगा। अरे कहीं भी चले जाओ, जिस मोहल्ले में लड़ाई होती है ना, उस मोहल्ले का पड़ोसी ऐसी मजे लेते हैं जैसे हम ले रहे हैं। ये नाचो। अबे सालो मेरे घर का ड्राइवर, अब आप किधर है बोल ड्राइवर? तरका साले नीचे घूम। अरे भाई साहब क्या हुआ? मैं तुझसे ट्रक देख के चला जाता, तूने मेरी खड़ी गाड़ी में ट्रक मार दिया, 25,000 रुपए खर्चे की नई गाड़ी की मेरी। अरे बाबूजी मेरा ट्रक तो खड़ा था, आपने अपनी गाड़ी मारी थी मेरे ट्रक में। साले ड्राइवर झूठ बोल लिया। अबे क्या हो गया भाई, क्यों लड़ रहा हो रोड पे? चलो निकलो इधर से, चल निकल इधर से, तू भी निकल। वो दीवान जी बात तो सुन लो, बोल इधर आओ। तू भी आ, मैं आओ, तू भी आ। इसने मेरी गाड़ी ठोक दी। चलो यो ड्राइवर, इसकी गाड़ी में जो भी कमी है इसे इसका खर्चा दे। अरे दीवान जी मेरी कोई गलती ना थी, मेरी गाड़ी तो खड़ी थी, इसने लाकर ठोकी थी। अबे हमेशा बड़ी गाड़ी वाली की गलती होती है, समझा? छोटी गाड़ी वाली की गलती कोई नहीं बताता। ड्राइवर कौन है इस गाड़ी का? मैं हूं। अबे ड्राइवर तो देख के चला जा रहा ट्रक, तूने मेरी गाड़ी ठोक दी, 20,000 रुपए थे मेरे खर्चे के। देख लो दीवान जी, किसकी गलती है बताने जरा। अबे अभी तुझसे क्या बोला था मैंने,
अगर छोटी गाड़ी की गलती होगी तब भी लोग बड़ी गाड़ी की गलती बताएंगे, उन्हीं लोगों में से एक मैं हूँ। अब भी मैं तेरी गलती बताऊंगा, तू नहीं ठोका अच्छी गाड़ी में अपना ट्रक। मतलब सर ये तो नाइंसाफी है हम ड्राइवरों के साथ। अरे भाई ड्राइवर मैं क्या कर सकता हूँ बता, हमें तो भैया पब्लिक की जबान बोलना पड़ता है। अब तू एक काम कर, इन दोनों की गाड़ी में जो भी कमी आ गई है इन्हें इनका खर्चा दे दो रवाना कर, और अगर ये पैसा ना देगा तो बता दियो थाने ले जाऊंगा। ठीक है, ला ले पैसे, ला जी के फाल तू ही पैसे देने पड़ने हैं। पैसे ले, पैसे ले, पैसे जल्दी फटाफट। अरे ससुर मेरे यार, मैं निकल ले हूं अपनी बारात लेकर अपने ट्रक से, वो भी बिल्कुल अकेला, कोई ना आ रही, मैं अकेला आ रही हूं निकल करने। और सुन तू जल्दी से अपनी लोंडियों को तैयार करके रख यार, दुल्हन बना के। अरे दामाद जी बारात जल्दी लेकर आ जाओ यार, मुझे खतरा लग रहा है, कभी मेरी लोंडिया घर से भाग ना जाओ, उसका आशिक घर के बाहर ही टहल गया यार। अब ससुर उसके आशिक के गोली निकाल दूंगा, गोली बता रही हूँ मैं अभी, तू अपनी लोंडियों को तैयार करके रख और हाफिज जी को बुला के रख, मैं निकल लिया हूँ आते के साथ ही निकल करूंगा। हाँ जल्दी आ जाओ। ठीक है, और ड्राइवर 300 देगा क्या? अब तुम्हारी बहन का वो, चल भाग भाग, अब तुम्हारा सेकंड हैंड का राग खत्म, हमारी अब शादी कर रही हूँ मैं, नया माल यूज करूंगा, जा रही हूँ बारात लेकर अपनी बहन क्या। अबे दूल्हा और दुल्हन कौन आ रहा है भाई भागते हुए? अरे आ रहे होंगे यार, मैं तो अपनी बारात लेके निकलूं। अरे ड्राइवर साहब तुम्हारी ट्रक में स्वागरात बना लूं अपनी बहू के साथ? अबे साले हफ्ती स्वागरात अपने घर जाकर बनाई है, नई बहू के साथ ट्रकों में स्वागरात बनाते हैं, चल निकल यहां से, मैं भी अपनी बारात लेके जा रही हूँ। अरे भाई साहब बस 2 मिनट लगाऊंगे। अबे चल अजी करने, तू भी ये मेरा चक्कर बड़ी जल्दीबाजी मार रही है, आप उलट से क्या हुआ? अरे दामाद जी मुझे माफ कर दो। अरे हुआ क्या ससुर? मेरी लोंडिया भागी, बारात कैंसिल कर दो। अबे ससुर तुझसे 10-5 मिनट लोंडिया ओनर होगी गई यार, यहाँ सारा सुहाग रात का हिसाब लगाए पड़े और तू कह रहा है कि बारात कैंसिल कर दो। अरे बारात कैंसिल मत करो। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ, देखो ये है मेरी लोंडिया, तुम्हारे ट्रक में से उतरी है। ये तेरी लोंडिया है? हाँ देखो लोंडा ये तुम्हारे ट्रक में से उतर कर आ रही है, जो मेरी लोंडिया को लेके भागा, अब इस लोंडे को भगा दो, कर लो मेरी लोंडिया से निकाह। साले मैं सेकंड हैंड माल से शादी करूंगा, अबे आज तक सेकंड हैंड माल चला तो आया हूं, हट मैंने कर रिया तेरी लोंडिया शादी साले, हट मुझे साले कैसी लोंडिया दे रिया यार। अरे लोंडिया तूने मेरी नाक कड़वा रखी तेरी। हां भाई कितनी लानी है बिरयानी? 250 ग्राम दो जगह लगा दो, साफ पीस डाल के। ठीक है भाई। कितने रुपए हुए भैया? 100 रुपए भैया। दे दो भाई 100 रुपए। लो लाओ, दे दिए। चलो है? अब मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? अभी कहाँ दिए तुमने मुझे पैसे? अरे भाई साहब अभी यहीं पे दिए खड़े खड़े। अरे यार कहाँ दिए तुमने मुझे, यहाँ पे खड़े खड़े? दराज में देखो अपनी, देखो दराज खाली है। अब चोर चुपके से निकल रहा बिरयानी खाकर। चल भाई साहब के पैसे थे बिरयानी खाने के 100 रुपए। लो भाई चल निकल, चलो। अबो तुमको तो पैसे? अरे दे तो दिए यार। अरे अभी कहाँ दिए हैं? दराज में देखो अपनी। अबे ये 100 रुपए तो बोदे का गया है अभी। खामा खा मतलब यार झूठ बोल लो, देखो अगर उसने 100 का नोट दिया होगा तो वो करेगा हाँ हाँ, और अगर उसने 100 का नोट नहीं दिया होगा तो वो करेगा ना ना। ठीक है ठीक है। अरे ओ भाई तूने 100 का नोट दिया इन्हें? ना ना ना, देखो ना ना कर रहा है, 100 रुपए हमने दिए हैं। ठीक है ओके, फिर हम आओ। हाँ अब तुमने दे दिए मुझे मेरी बिरयानी के पैसे, इसका मतलब वो मेरी बिरयानी फ्री में खाकर भाग गया। मैं विधवा हो गई, मेरा पति छत से गिर के मर गया। चला बेटी तू घर चल, अब तेरी दूसरी शादी कराऊंगा, बता क्या करें। अब दामाद मर गया तो मर गया। अबे लोंडिया के बाप साले, शरम गल्ले शरम, इधर तेरा दामाद मरा पड़ा और इधर तुझे अपनी लोंडिया की दूसरी शादी कराने की जल्दी हो रही है। अबे कम से कम पहले अपने दामाद का दफन होने दे और इसे 4 महीने की इद्दत करने दे, फिर सोचिए इस बारे में। अरे पापा तुम कुछ और सोचो, तुम मेरी दूसरी शादी कराओ। ओफो इतनी आग हूँ मैं भी, फिर मुझसे ही निकाह कर लो। मैं तो सुनी करा भाई लोंडिया के बाप, हट बताओ ना जाने में। ठीक है मैं आपसे निकाह कर लूंगी, मुझे तो शादी करनी है ही। एक मिनट, ओए भाई किधर जा रहा है? बाजार। देख बाजार की तरफ कब्रिस्तान पड़ेगा यार, इसे ले जा कब्रिस्तान। ठीक है ले जा। अब एक काम तो हो गया, अब बची तेरी 4 महीने की इद्दत। तुम एक काम कर लो भाई लोंडिया के बाप, हमारा निकाह करवा दो, मैं निकाह करके सुहाग रात बना के दिल्ली काम पे चले जाऊंगा 4 महीने के लिए, फिर जब तक ये 4 महीने के अंदर अंदर अपनी इद्दत पूरी कर लेगी, हिसाब फाइनल। बस साले क्या चीटिंग बाजी खेल रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में आ रही है। भाई साहब अभी समझाने का टाइम नहीं है, मुझे दिल्ली काम पे जाना, जल्दी अपनी लोंडिया से निकाह कराओ, फिर मैं इसके साथ सुहाग रात बना के यहाँ से निकलूं यार। बस चल मैंने कह रहा तुझसे अपनी लोंडिया का निकाह, तुम जो आदमी चाल फेर लग रही है। चाल फेर तो तुझे अब दिखाऊंगा मैं, जाने मन प्यार करती है मुझसे।
हाँ अगर तुम्हारे हमारे प्यार के बीच में कोई आया तो तुम क्या करोगी जाने मन? सच नीचे फेंक दूंगी। तो फिर ये तेरा बाप आ रहा तेरे मेरे प्यार के बीच में, जब फेंक दे छत से नीचे। ठीक है। अरे ना ना मैं ना रे तुम्हारे बीच में, कर लो तुम शादी कर लो आपस में। हाँ जाने मन, आई लव यू। अरे अम्मी भूखरान भाई के घर लोकी गोश्त बना, थोड़ा सा ला दियो उनके घर से। अरे ठहरा नहीं, मैं तो ना ला दी उसके घर से मांग के। मतलब देख फिर मैं ही जा रही हूँ उनके घर से सालन मांगने। अरे नाना बेटे ऐसे ना जाते। अरे हटा यार अम्मी, भूख लग रही है बहुत तेज की, बिना गोश्त से मेरा पेट नहीं भरता। अरे क्या हुआ लड़का, कहाँ तुम्हारा? अजी वो तो आपके घर गया था सालन लेने। अरे सालन मांगता तो मैं दे देता, लेकिन तुम्हारा लगा तो मेरे घर से लोगी गोश्त बना बनाया कुकर लेके भाग गया। कहाँ है वो? अभी मुझे पता ना कहाँ है वो, अगर वो घर को आगा तो उसे मारकर तुम्हारा सारा सालन बिक जाए। अम्मी सालन का हिसाब मत लगा, सालन तो मैं सब खा गया, ले खाली कुकर कुकर बचा ये भेज दे बस। अबे साले तुमसे अपने पैसे तो मांगा ना खाया जाता। अरे भाई साहब जितने का हम गोश्त मांगे ना इतने का तो हम पूरे हफ्ते का बाजार कर ले, महंगा बहुत है यार गोश्त, साला मांग मांग के काम चला मैं दूसरों घर से। अबे साले कुत्ते हैं दूसरों कहां से मांग मांग खाओगे लड़का? अरे भैया आदत है आदत, हमें डर ना लगता अच्छाई बुराई से, हम तो भैया बेशरम है ऐसी खा में दूसरों का मांग मांग के। क्यों अम्मी चलो घर में, अब किसी के घर का इंतजाम होगा गोश्त बनेगा तो मैं फिर देख लूंगा, ढक के फेल लिया उसके घर से कुकर चुरा के।